हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले 100 सवालों की। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिए और हर 20 क्वेश्चंस के बाद एक टेस्ट क्वेश्चन या की क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्हीं 20 सवालों में से। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा की सवालों का सही जवाब दे पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। सन 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किस किसके बीच में हुई? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स मेटकैफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। अगला सवाल, वह कौन से प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो वो थे लॉर्ड लाइटन। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? इसका जवाब है रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अगला सवाल, कौन से वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? जवाब है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर के साथ ही कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के प्रथम वॉयसराय कौन हुए? जवाब है लॉर्ड कैनिंग। नील आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से था? जवाब है बंगाल। अगला सवाल, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के समय भारत में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई? इसका जवाब है रैमजे मैकडोनल्ड। अगला सवाल, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज विरोधी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चैटर्जी की किस उपन्यास में किया गया है? इसका जवाब है आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉयस रॉय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली में आयोजित भव्य दरबार जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किस सम्राट के स्वागत में यह दरबार आयोजित किया गया था? जवाब है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम। अगला सवाल, 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, यह किस भाषा में था? जवाब है उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में सजा काटने वाले कौन से कांग्रेसी नेता थे? जवाब है बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, वॉरन हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेल्सली, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। तो इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। अगला सवाल, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? जवाब है दादा भाई नरोजी ने। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने किस आंदोलन को 1 अगस्त 1920 ईस्वी कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? जवाब है असहयोग आंदोलन। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई? जवाब है द्वितीय। अगला सवाल, कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? जवाब है चार्ल्स मेटकैफ। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल की समय व्यपगत सिद्धांत को लागू किया गया? जवाब है लॉर्ड डलहौजी।
भारत के प्रथम वॉयस रॉय कौन हुए? ये सवाल एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था और ये हमारा पहला की क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन या मैकडोनाल्ड। तो सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को है? जवाब है लॉर्ड कर्जन। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया? जवाब है 8 अगस्त 1940 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाब है लॉर्ड क्लीमेंट एटली। तीरथ सिंह का संबंध असम के किस आंदोलन से रहा? जवाब है खासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन का संबंध कौन से राज्य से है? जवाब है पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस पर आधारित था? जवाब है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे। गांधी जी ने 1918 में कर नहीं आंदोलन चलाया था, यह किस स्थान से संबंधित है? जवाब है गुजरात के खेड़ा जिले से। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? जवाब है मदन मोहन मालवीय। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? जवाब है मीर कासिम। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? जवाब है कोचीन। अगला सवाल, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना कौन से गुरु ने की थी? जवाब है गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल, राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। वह कौन सा एक्ट था जिसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया था? जवाब है पेट्स इंडिया। किस अधिनियम द्वारा बिहार अलग प्रांत बनाया गया? जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड वेल्सली के समय सहायक संधि की पद्धति शुरू की गई, कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? जवाब है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला सवाल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष में बना? 1856 में बना। अगला सवाल, अब ये आ गया हमारा अगला की क्वेश्चन, ये HPSC 2014 में पूछा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस पर आधारित था? ऑप्शंस हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मैकडोनाल्ड अवार्ड या नेहरू रिपोर्ट। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला सवाल देखते हैं, लाहौर से छपने वाले ट्रिब्यून के संस्थापक कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे? इसका जवाब है एडोल्फ हिटलर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे?
जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? जवाब है सर सैयद अहमद खान ने। निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे? ऑप्शंस हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, या रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? जवाब है बेलगांव। चौरी चौरा घटना किस वर्ष में हुई? जवाब है 5 फरवरी 1922। देव समाज के संस्थापक कौन थे? जवाब है शिव नारायण अग्निहोत्री। वह कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? इसका जवाब है अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस। होम रूल के संस्थापक कौन थे? जवाब है तिलक एवं एनी बेसेंट। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? जवाब है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रथम हिंदी समाचार पत्र 30 मई 1826 को शुरू हुआ। इस दिवस को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम क्या था? जवाब है उन्दत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था? जवाब है रॉलट एक्ट। गुजरात में किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ? जवाब है बारदोली सत्याग्रह। कैबिनेट मिशन कौन से वर्ष में भारत आया? जवाब है 1946। निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे? ये हमारा की क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, या रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब है शिशिर कुमार घोष। वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन वर्ष 1907। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी? जवाब है कलकत्ता। कौन से सन में क्रिप्स मिशन भारत आया? जवाब है 1942। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन से आंदोलन को स्थगित किया गया था? जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां एवं सलीम उला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? जवाब है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। पॉवर्टी एवं अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नारोजी ने लिखी। खिलाफत आंदोलन के समय कौन से ब्रिटिश वॉयसराय थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रविंद्रनाथ ठाकुर लिखित वह कौन सा गीत है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना? जवाब है अमार सोनार बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किस सन में हुई? 1872 में। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना सन 1887 में किसने की? जवाब है दादा भाई नारोजी। 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? जवाब है लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? जवाब है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वॉयसराय के काल में हुआ? जवाब है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? जवाब है चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन से सिख गुरु ने किया था? जवाब है गुरु अंगद। अगला सवाल, हरमंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया? जवाब है गुरु अर्जुन ने। अब ये आ गया हमारा अगला की क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, पॉवर्टी एवं अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं आरसी दत्त, दाता भाई नरोजी, विपिन चंद्र पॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? दादा भाई नरोजी। अगले सवाल पे चलते हैं, बंगाल में दैद शासन व्यवस्था की स्थापना किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? जवाब है विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग सन 1902 में किस वायसराय के समय स्थापित किया गया? जवाब है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलोर की संधि कौन से युद्ध के बाद हुई? जवाब है द्वितीय आंग्ल मैसूर, इस युद्ध के बाद हुई। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया? जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? जवाब है द्वितीय। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चेरो विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? जवाब है झारखंड पलामू। अगला सवाल, किस इतिहासकार ने सन 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? जवाब है बीडी सावरकर। अगला सवाल, 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित करने वाले कौन थे? जवाब है विनायक दामोदर सावरकर। अगला सवाल, हैदराबाद की स्थापना किसने की? जवाब है उत्तर तुरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाब है वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के किस सम्राट को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? जवाब है नादिर शाह। अगला सवाल,
तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जवाब है मोहम्मद शाह। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ? जवाब है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? जवाब है मसूलीपट्टनम में। किस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई? जवाब है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवश की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? जवाब है अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। अगला सवाल, बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? जवाब है अली वर्दी खां। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? जवाब है अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला। अगला सवाल, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? जवाब है अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में सन 1918 में। अगला सवाल, अब ये आ गया हमारा आखिरी की क्वेश्चन जो कि HPSC 2019 में पूछा गया था। सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग सन 1902 में किस वायसराय के समय स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 100 सवाल अच्छे से याद हो गए होंगे, और यदि कुछ सवाल याद नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और हमें कमेंट्स में भी बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।